Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I am Suman. लॉट्स ऑफ मैसेजेस, लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारी चीज़ें कमेंट्स मुझे मिले मेरे इंस्टाग्राम पे एंड मेरा जो हार्ट है वो बिल्कुल मेल्ट हो गया है एंड आई सीरियसली लाइक थैंक यू सो सो मच फॉर लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, लॉट्स ऑफ प्रेयर, लॉट्स ऑफ योर वार्म मैसेजेस. मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारा प्यार रिसीव हुआ है, यहाँ पे यूट्यूब पे मुझे बहुत सारा प्यार रिसीव हुआ है. थैंक यू सो सो मच. सो अब करवा चौथ मना लिया, मैंने भी बहुत सारा खाया जी. मैंने मीठा बहुत सारा खाया है, मैंने बहुत सारा खाया है टू बी ऑनेस्ट. मैंने कल तो बहुत अच्छे से खाना खाया है बड़े लंबे समय के बाद. एंड पॉइंट इज, अब हम बात करेंगे डिटॉक्स की. मैंने खाया है, मेरे सारे क्लाइंट्स ने खाया है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से फेस्टिवल मनाया होगा. सो करवा चौथ का नेक्स्ट डे, मतलब आज हम बॉडी को रेस्ट देंगे, अच्छे से हम अपनी रिकवरी करेंगे, खूब सारा पानी पिएंगे, खूब सारा अच्छा सा खाना खाएंगे, प्रोबायोटिक अपनी डाइट में डालेंगे ताकि हमारे जो स्टमक में हीट हो गया हो उसको शांत हो जाए. कर्ड आपने खाया होगा आई एम श्योर, छाछ आपने पिया होगा आई एम श्योर, ग्रीन टी आपने पी होगी और खूब सारा पानी पिया होगा. अब जब इतनी चीज़ें हो गई देन नेक्स्ट डे, मतलब कि कल फ्राइडे नहीं तो सैटरडे, जब भी आपका छुट्टी होगा आपने करना है अपनी बॉडी को डिटॉक्स. नाउ डिटॉक्स का सिस्टम क्या है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में आसपास रिलेटिव्स में दोस्त में दिवाली पार्टी होगी. दिवाली पार्टी पे जाओगे, कुछ ना कुछ मंचिंग करोगे, बिल्कुल मत करना. दिवाली का एक दिन पकड़ो जब आप चीट करोगे, धनतेरस का दिन पकड़ो जब आप चीट करोगे, उसके अलावा बिल्कुल भी चीटिंग मत करना. फेस्टिवल का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने पूरी मेहनत को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल फिनिश कर दिया. इट्स सिंपल लाइक कि फैमिली के साथ बैठ के थोड़ा बहुत खा पी लिया घर का होममेड फूड एंड दैट्स इट. अब हम बात करते हैं डिटॉक्स की. नाउ डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को लो कार्ब पे डालना और पूरे दिन जूसेस और पानी पीना. नाउ डिटॉक्स का मतलब यहाँ पे आता है अपनी बॉडी को मसाज कराना, गर्म पानी की बॉटल से अपनी बॉडी को पूरा अच्छे से सिकाई करना, अपने फेस पे बहुत अच्छे से मास्क लगाना, हेड मसाज कराना, बॉडी मसाज कराना, ताकि आपकी बॉडी जिन जिन मेकअप, हेयर स्टाइल एंड बहुत सारी चीज़ों से निकली उससे आप थोड़ा सा अपने आप को हील करो, बैठो, थोड़ा रिकवर करो. डाइट में हमने क्या क्या ऐड करना है, जब भी हम डिटॉक्स करेंगे फर्स्ट ड्रिंक लेंगे हम मॉर्निंग में लेमन की पील की टी, और वो कैसे बनानी है चलते हैं किचन में. ओके, लेमन पील टी बनाने के लिए ये रहा पानी, पड़ दो कप पानी मैंने लिया है. इसमें नींबू वॉश करा है मैंने, नींबू बहुत अच्छे से डाल दिया. अब मैं इसे बॉयल करूँगी बहुत अच्छे से जब तक ये हाफ कप नहीं हो जाता. ओके, अब ये हो गया हाफ. अब हम इसको बंद कर देंगे पानी को. हम इसका जो लेमन है वो लेंगे हम यहाँ पे छन्नी में, वो खूब अच्छे से हम स्क्वीज कर देंगे. इसका जो वाटर है वो सारा इसमें जूस सारा का सारा हम स्क्वीज कर देंगे. बहुत तगड़ा फैट कटर है, पीने में थोड़ा सा कड़वा लगेगा बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैट कटर बन जाएगी. ओके, सो ये रही हमारी मॉर्निंग ड्रिंक. लेमन पील टी का जो टाइमिंग रहेगा गाइज, मेक श्योर आपका जो टाइमिंग होगा वो होगा 7:30 to 8 o'clock के बीच में. बट इससे पहले मेक श्योर आप सुबह अपना वेट ज़रूर चेक करेंगे, सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद विदाउट क्लोथ्स. नेक्स्ट, मॉर्निंग टी हमने ले लिया. अब हम बात करते हैं अपने ब्रेकफास्ट की. नाउ ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी हम खाएंगे स्प्राउट सैलड, खूब सारा लोडेड प्रोटीन, उबले हुए स्प्राउट्स, खूब सारे उसमें प्याज टमाटर डाल के, और साथ में हम लेंगे एक कप ग्रीन टी. नाउ स्प्राउट सैलड की बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पे हैं, मैंने रिसेंट भी डाली थी, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड हम वो रेसिपी अपनी डाइट में लेंगे. ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग होगा वो हम 9 to 9:30 कवर कर देंगे. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की. नाउ मिड ब्रेकफास्ट में कोई भी एक सीजनल फ्रूट आप पकड़ो, साथ में हम लेंगे ग्रीन टी. सीजनल फ्रूट कोई सा भी हो सकता है, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, पियर हो गया, किसी भी टाइप का सीजनल फ्रूट आप लेंगे. गुआवा बहुत अच्छा आ रहा है, सीड्स निकाल के गुआवा के आप वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते. थर्डली, यहाँ पे अब हम आएगा लंच पे बात. लंच में हम लेंगे हमारी डिटॉक्स कोल्ड कॉफ़ी. रिसेंटली उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली थी, हम डिटॉक्स कोल्ड कॉफ़ी लेंगे. अगर ये लेने का मन नहीं है देन चिया सीड का कोल्ड कॉफ़ी भी मेरे चैनल पे, बहुत पुरानी वीडियो है, 5 साल पुरानी. एंड अगर वो भी लेने का मन नहीं है देन मेरे चैनल पे बतेरी स्मूदीज की रेसिपी, हम वो लेंगे. अगर वो लेने का मन नहीं है छोड़ दो, हम एक बहुत अच्छी सी पनीर का सैलड पकड़ेंगे. मेरे चैनल पे बतेरी पनीर की सैलड्स की रेसिपीज हैं, आप इनमें से कोई भी पनीर का सैलड पिक करें एंड अपनी डाइट में ऐड करेंगे. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इवनिंग टी में. आई लव शतावरी. शतावरी की टी हम लेंगे 4:30 to 5 o'clock के बीच में, साथ में हम लेंगे एक बाउल ऑफ फुल प्लेट ऑफ सैलड.
कैसे सैलेड लेनी है और कैसे शतावरी बनानी है, चलते हैं किचन में। ओके, ये रही हमारी इवनिंग टी शतावरी। शतावरी के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में डिटेल वीडियो जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। शाम को हम लेंगे शतावरी, ये रही मेरी शतावरी की रूट्स एंड अब इसको हम बॉईल करेंगे। सो ये रही मेरी शतावरी की टी बॉईल करके, और ये साथ में हम लेंगे बाउल ऑफ सैलेड, पूरा प्लेट ऑफ सैलेड। यहाँ पे मैंने टमाटर लिया, खीरा एंड गाजर, एंड सैलेड के ऊपर मैंने कोई भी चाट मसाला और नमक नहीं डाला है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिनर की। नाउ डिनर के अंदर यहाँ पे मैं आपको दूंगी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल जूसेस। मानती हूँ थोड़ी सी भूख लगेगी, मानती हूँ थोड़ी सी क्रेविंग होगी, थोड़ा सा हेडेक भी हो सकता है। डिटॉक्स कर रहे हैं ना, जब तक बॉडी को कष्ट नहीं पहुँचेगा तब तक हम कैसे अपने आप को हील करेंगे, नहीं? तो हमने लेना सिर्फ और सिर्फ जूसेस, ग्रीन जूस। मेरे चैनल पर ग्रीन जूस, येलो जूस, रेड जूस, इन तीनों की रेसिपीज़ हैं। कोई भी एक जूस पिक करेंगे, 6:30-7 बजे तक ले लेंगे, 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आपने कुछ नहीं लेना। और 10 बजे हम लेंगे त्रिफला पाउडर। और त्रिफला पाउडर कैसे और किस तरीके से हमने लेना है, चलते किचन में। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरा त्रिफला शॉट। सो त्रिफला शॉट अगर हम ज़्यादा बनाएंगे तो हमें लूज मोशंस होंगे, बट यहाँ पे मैं बता दूँ कितनी क्वांटिटी लेनी है। यहाँ पे ये है मेरे पास त्रिफला पाउडर, ये पतंजलि का मैं यूज़ करती हूँ। बट यहाँ पे हम लेंगे इसको त्रिफला शॉट बनाने के लिए 10 मच। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप जितना गर्म पानी। सो ये है त्रिफला शॉट। देखा जाए तो 3 या 4 सिप पानी है और पिंच ऑफ जितना मैंने त्रिफला पाउडर डाला। एंड ये रहा हमारा नाइट ड्रिंक। ये थी पूरी की पूरी एक डिटॉक्स का प्लान। अब बात आती है पानी की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। मैंने भी ये फास्ट किया था, मैंने फर्स्ट टाइम किया और मुझे ये फील हुआ कि खाने से ज़्यादा इशू आता है पानी का। सो बॉडी बड़ी ना ड्राई हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगती है। पानी का इनटेक आपने सिप सिप करके पीना है। आपकी बॉडी इस ड्यूरेशन में डिमांड करेगी फास्टिंग की नेक्स्ट 2 डेज, पानी दो और पियो और पियो, ठंडा पानी पियो। बट आपने सिप सिप करके नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी पीना है, सिप सिप करके। 3 लीटर से ऊपर एक्सीड मत करना और 6:30-7 बजे तक आप पानी का इंटेक अपना मैक्सिमम ख़त्म कर लो। 7 बजे के बाद जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना ही पानी अपनी बॉडी में डालेंगे। आपने जिस दिन अपना डिटॉक्स का प्लान ख़त्म करा, नेक्स्ट डे से बैक टू योर नॉर्मल डाइट, बीट वो मेंटेनेंस के डाइट पे हो या वेट लॉस के डाइट पे हो, बट आप अपने आप को दोबारा वापस लाओ। करो चीटिंग करो, मेरे क्लाइंट्स करते हैं, मैं करती हूँ, बट हमको इतना पता होना चाहिए कि ट्रैक पे वापस कब कितने टाइम में वापस आना है। अगर आप ट्रैक पे वापस नहीं आना जानते, ट्रस्ट मी, ये फेस्टिवल सीजन ऐसे हैं, ये आउटिंग्स ऐसी हैं, ये गैदरिंग ऐसी है, बाहर की जगमगाती हुई लाइटें, सजावट की हुई हमारी मिठाइयाँ, चॉकलेट्स पैकेट में बिल्कुल रैप होके आई हुई चीज़ें, खा ले, एक खाने से कुछ नहीं होता, 2 खाने से कुछ नहीं होता, 4 खाने से कुछ नहीं होता, 8 खाने से कुछ नहीं होता, कल खाने से कुछ नहीं होता। जब आप अपने वेइंग स्केल पे चढ़ोगे आपका 5 से 6 किलो बढ़ा हुआ मिलेगा, और उसके बाद आपके हार्ट अटैक ज़रूर होता है, होता कुछ नहीं है, बट आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आते हो। आपको 2 किलो गिरने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचो बढ़ा हुआ चीटिंग का 5-6 किलो गिरने में कितनी दिक्कत आएगी। लास्ट ईयर की स्टोरी है, मैं दिवाली पे सुबह रेडी हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा ब्लोट फील कर रही थी। रीज़न बीइंग इज मैं कहीं गई थी और वहाँ पे किसी एल्डर ने मुझे बहुत ज़बरदस्ती पूरा डिनर करा दिया था, और वो डिनर बहुत ज़्यादा ना जंक भरा था, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली वॉली था। परंतु वो गलती आपने नहीं करनी है, आपने अपने आप को बिल्कुल बैलेंस करके चलना है, ताकि आप चीज़ें ठीक रखो, हेल्दी रहो, फिट रहो, आपका लुक्स भी मेंटेन रहे। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड यस, संडे को आई थिंक आई विल बी पोस्टिंग दैट 75 डेज चैलेंज का पूरा ड्राफ्ट, कि क्या है, क्यों है, कैसे कर रही हूँ, एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच एंड आई सी यू सून। टेक केयर जी, बाय बाय।